हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग भी सैमसंग का नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो 20,000 रुपये से कम के प्राइस में, तो आज के टॉप 3 सैमसंग स्मार्टफोन की वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप लोग भी सैमसंग का कोई ऐसा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो जिसको लॉन्ग टाइम तक काफ़ी अच्छे से यूज कर सके, मतलब 5G नेटवर्क का सपोर्ट देखने को मिल जाए, तो थर्ड नंबर पर आता है सैमसंग गैलेक्सी F42 5G। गैलेक्सी के F42 5G को 19,999 रुपए के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। गैलेक्सी के F42 5G का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका पावरफुल 5G गेमिंग प्रोसेसर। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि इसके प्राइस को देखते हुए आप लोगों को एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो 6.6 इंच की फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो 5000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। 15W की फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जहां गैलेक्सी के F42 5G गेमिंग के मामले में बेस्ट है, वहीं ये स्मार्टफोन कैमरे के मामले में बेस्ट है, क्योंकि बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 64MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें 10x डिजिटल जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 5+2MP के मिल जाते हैं विथ LED फ्लैश लाइट के साथ। वहीं सेल्फी के लिए 8MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। फीचर के लिए साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है गैलेक्सी के F42 5G में। आप लोग भी सैमसंग का नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो सेकेंड नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी M32। गैलेक्सी के M32 को 16,999 रुपए के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाय कर सकते हैं। गैलेक्सी के M32 के काफी सारे एडवांटेज देखने को मिल जाते हैं, पर पहला एडवांटेज इसका क्वाड रियर कैमरा सेटअप। 64MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें 10x डिजिटल जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी के तीन कैमरे 8+2+2MP के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वहीं सेल्फी के लिए 20MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज में आप लोगों को गैलेक्सी के M32 में फ्रंट और बैक दोनों में काफ़ी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। दूसरे सबसे बड़े एडवांटेज की अगर बात करी जाए तो वो है इसकी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले। 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। वहीं गैलेक्सी का M32 बैटरी बैकअप के मामले में काफी ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि 6000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 15W के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो गैलेक्सी के M32 में MediaTek का Helio G80 का एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और सिक्योरिटी फीचर के लिए साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है गैलेक्सी के M32। लोग भी सैमसंग का नया गेमिंग स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो फर्स्ट नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। गैलेक्सी के F23 5G को 16,999 रुपए के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। गैलेक्सी के F23 5G का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर, जो कि इस प्राइस रेंज में और किसी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता है। गैलेक्सी के F23 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 17,000 रुपए के प्राइस को देखते हुए आप लोगों को गेमिंग के मामले में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। एक अच्छे गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ 6.6 इंच की फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए या फिर गेमिंग के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। कैमरा सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें 10x डिजिटल जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 8+2MP के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही फोन के बैक कैमरे से आप लोग 4K वीडियो भी आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो 8MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही गैलेक्सी के F23 5G में 5000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 25W के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है गैलेक्सी के F23 5G में।